Hey, greetings and welcome back to another lecture of Power System Protection. ये lecture number 10 है. We studied lecture number 9 in before lecture and now we will study lecture number 10. The lecture is about definite time over current relay and we will study this definite time over current relay for a distribution system, distribution feeder, right? Acha, just quick recall, what is a definite time over current relay? Definite time over current relay is that type of relay that will generate a trip signal or untrip signal after a certain delay of time, right? हम एक certain delay दे देंगे अपने relay को ताकि वो generate करे अपना signal with a certain duration. अच्छा, now let's see this configuration. We have three buses, bus A, bus B, and bus C. It is a three bus system, and we have connected a source with the bus A. And three loads are connected. Bus A has a load of load A, and bus B has a load of bus B, and bus C has a load of bus load C, right? Bus B and C के दरमियान is a protection scheme of relay A, right? Relay B, sorry. और bus A और bus B के दरमियान जो protection है वो is called relay A, right? And just a quick recall. कि व्हाट अ प्रोटेक्शन स्कीम कैन कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक सीटी लगाए, एक रिले लगाए और एक क्या लगाए, सर्किट ब्रेकर. सीटी क्या कर लेगा, सीटी विल मॉनिटर द हेल्थनेस ऑफ योर सिस्टम और एक मॉनिटर सिग्नल भेजेगा इस रिले को और ये रिले इस सिग्नल को ट्रिप और रिस्ट्रेन सिग्नल के फॉर्म में सर्किट ब्रेकर को भेज देगा, विल सेंड दिस टू सर्किट ब्रेकर. अच्छा, ई फॉल्ट का बिहेवियर है फॉल्ट करंट का विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन. अगर फॉल्ट इधर आ जाए यहाँ पे तो उसकी वैल्यू कम होगी, अगर फॉल्ट इधर आ जाए इस लोकेशन पे तो फॉल्ट की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है. इसका मतलब यह कि फॉल्ट जितना सोर्स के करीब जाता जा रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है. ये ऐसा क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ ओहम लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई जी. तो जितना तुम सोर्स के करीब होगे उतना ही इम्पीडेंस कम होगा, जब इम्पीडेंस कम होगा तुम्हारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, फॉल्ट करंट की वैल्यू ज्यादा होगी. अच्छा, ये है एक, ये तुम्हारा सिस्टम है. तो अब हम इसकी सेटिंग कैसे करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट सही है, तो मैंने इस सर्किट ब्रेक इस पूरे सिस्टम की सेटिंग कैसे करनी है. रिले की पिकअप वैल्यू मैंने क्या रखनी है, ट्रांसफार्मर की ट्रांस रेशियो क्या रखनी है, ये ऑल these settings, how we can set all these settings, right? Requirements क्या है, तो ये कैसे करेंगे, let's go to the next slide. अच्छा, हमें usually three settings चाहिए. The first one is CT turns ratio and the second was pickup value and operating time, right? पहले turns ratio को कैसे decide करेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर के यानी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी करंट क्या हो, कौन सा करंट होगा जो रिले के कॉइल में से पास हो रहा होगा, ये वो करंट होगा जो रिले की रेटिंग इंडिकेट करेगा. रिले की जितनी रेटिंग होगी हमने सेकेंडरी करंट को उतना रखना होगा. प्राइमरी करंट कौन सा करंट होगा, प्राइमरी करंट वो करंट होगा जो लोड में से पास हो रहा होगा. और एक पिकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट करनी है, पिकअप वैल्यू कौन सी होती है, पिकअप वैल्यू वो वैल्यू है जहाँ पे तुम्हारा सर्किट करंट अबव सर्टेन वैल्यू को फॉल्ट कंसिडर कर लेगा, राइट? अगर इसके ऊपर फॉल्ट आ जाए तो इसको फॉल्ट कंसिडर करो, अगर इससे नीचे हो तो उसको फॉल्ट ना करो, इसको लोड कंसिडर करो, लोड करंट. फिर हमारे पास है टाइम सेटिंग, ये हमने अपने रिले को कौन सा कितना टाइम देना है आफ्टर दैट टाइम वो रिले ऑपरेट करे, राइट? तो ये तीन सेटिंग्स हमने करनी है. ये हम कैसे करेंगे, वी विल लर्न दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. अच्छा, फिर पिकअप वैल्यू हमने कैसे रखनी है, पिकअप वैल्यू हमने ऐसी रखनी है ताकि वो नॉर्मल करंट को पास कर सके विद अलोंग विद सर्टेन डिग्री ऑफ ओवरलोड. नॉर्मल करंट को भी और ओवरलोड करंट को भी सर्टेन डिग्री के तरफ रेंज में लिमिट में पास करे. और ये ओवरलोड होता है तकरीबन 1.25 या 1.2% ऑफ द लोड करंट, राइट? जबकि स्मॉलेस्ट फॉल्ट और लार्ज स्मॉलेस्ट फॉल्ट को भी सेंसिटिव यानी सेलेक्ट कर सके और इसको रिमूव कर देगी और ऑब्वियसली मैक्सिमम फॉल्ट को तो खत्म ही करे. सो क्या करेगा, ये नॉर्मल करंट को पास करेगा, ओवरलोड करंट को पास करेगा, जबकि स्मॉलेस्ट फॉल्ट करंट को पास नहीं करेगा, उसको इंटरप्ट करेगा, राइट? सो ये है प्लग सेटिंग की
हमने कौन सी वैल्यू रखनी है इन एम्पेयर्स, जबकि ये हमारे पास करंट का एक रेंज है। अगर फॉर एग्जाम्पल करंट यहाँ से यहाँ तक हो तो इसको लोड करंट कहेंगे, अगर यहाँ तक हो तो इसको परमिसिबल यानी सर्टेन डिग्री ऑफ ओवरलोड है ये, और ये स्मॉलेस्ट फॉल्ट है जब उस स्मॉलेस्ट फॉल्ट का वो करंट है जब फॉल्ट आ जाए, जिस जहाँ पे फॉल्ट की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, और ये मैक्सिमम फॉल्ट है। तो हमने रिले की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी है, क्यों नहीं रखनी है, क्योंकि स्मॉलेस्ट फॉल्ट के केस में ये सेंसिटिव नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं रखनी है स्मॉल करंट की वैल्यू, क्योंकि ये फिर लोड करंट को भी इंटरप्ट करेगा, जबकि ये वो वैल्यू है जहाँ पे वी नीड टू मैक आवर सिस्टम सेटिंग हमने इस पॉइंट पे करनी है, ताकि इससे अबव वैल्यू को फॉर कंसिडर करे एंड बिलो दिस वैल्यू इट कंसिडर इज अ लोड करंट, राइट। तो ये था कि फ्लक्स सेटिंग हमने कैसे करनी है। अच्छा, टाइम की हमने अब कैसे सेटिंग करनी है। टाइम की सेटिंग हमने ऐसे करनी है कि जो प्राइमरी रिले होगा वो फॉरन ऑपरेट करे, वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट ना करे, वो इंस्टेंटली ऑपरेट करे, जबकि बैकअप प्रोटेक्शन होगा वो सर्टेन डिले के बाद वो ऑपरेट करे। सो अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले केस में था जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पढ़ा, तो उसमें रिले बी वो प्राइमरी था और रिले ए सेकेंडरी है, तो पहले रिले बी ऑपरेट करेगा, तो इसके रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम होगा, फिर रिले बी सिग्नल जनरेट करेगा सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम होगा, और फिर ओवरशूट टाइम आता है। तो पहले सर्किट रिले बी ऑपरेट करेगा, अगर रिले बी इन केस ऑपरेट ना करे तो रिले ए तब ऑपरेट करेगा। रिले ए के लिए हमने कौन सा टाइम रखना होगा, रिले ए के लिए हमने वो टाइम रखना होगा जो सर्किट ब्रेकर अप रिले ए, सर्किट ब्रेकर अप रिले ए के लिए हमने वो टाइम रखना होगा, यानी इसका टाइम ज्यादा होगा रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम प्लस सर्किट बी का ऑपरेटिंग टाइम और ओवरशूट टाइम। सो अगर इससे बड़ी वैल्यू हमें रखनी है, वी शुड मेक आवर टाइम सेटिंग्स अबव द सम ऑफ दिस, राइट, और यू कैन से इक्वल। सो अब हमने कौन सा कहेंगे, कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, इसके लिए एक थंब रूल है, एंड दैट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टेल एंड। जहाँ पे फीडर खत्म हो रहा होगा तो यहाँ पे जो पहले रिले लगी होगी दिस विल योर प्राइमरी रिले, और हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो, ये किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, इंस्टेंटली ऑपरेट करेगा, एंड एज्यूम दैट इस ऑपरेटिंग टाइम इज 0.1 सेकेंड। सो रिले बी का जैसे कि पहले केस में था वो प्राइमरी रिले हो गया, क्योंकि वो टेलेंट के साथ कनेक्ट है, तो इसका क्या हो गया, 0.1 सेकेंड हो गया, ये किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। सो रिले ए का ऑपरेटिंग टाइम फिर कितना होगा, ये रिले बी के ऑपरेटिंग टाइम के सम, रिले सर्किट बी का ऑपरेटिंग टाइम और ये ओवरशूट वैल्यू, राइट। सो मैं एज्यूम करता हूँ ये आगे गिवन भी होगा कि सर्किट बी का ऑपरेटिंग टाइम 0.5 सेकेंड है और सर्किट और ओवरशूट टाइम 0.2 सेकेंड है, तो रिले ए का ऑपरेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, 0.1, 0.5 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.8, यानी 0.1 सेकेंड के बाद रिले बी ऑपरेट करेगा, और 0.8 अगर फॉल्ट रिमूव हो जाए, वेल एंड गुड, अगर फॉल्ट रिमूव ना हुआ तो 0.8 सेकेंड के बाद कौन सा रिले ने ऑपरेट करना है, रिले ए ने ऑपरेट करना है, राइट। अच्छा, ये है वो प्रॉब्लम कि यहाँ पे लोड लोड कनेक्ट है और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉल्ट आ जाए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फॉल्ट आ गया, राइट, आई एफ, तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्ट आ गया तो पहले रिले बी ऑपरेट करेगा, रिले बी सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को, तो सर्किट ब्रेकर का टाइम कितना था, 0.5 था, और रिले ए का कितना था, 0.1 था, जबकि ओवरशूट टाइम कितना था, 0.2 था, तो 0.2 और 0.5 के सम से कितना आता है, 0.7 आता है, और 0.7 वो टाइम है जिसमें से रिले ने सेलेक्ट करना है, इट इज सेलेक्टिव टाइम इंटरवल, सेलेक्टिव टाइम इंटरवल कि कौन से रिले ने ऑपरेट करना है। रिले ए के लिए 0.1 सेकेंड था और दूसरी रिले ने जब ऑपरेट करना है तो उसके लिए सेलेक्टिव टाइम कितना है, 0.7 सेकेंड है, तो रिले ए कितने टाइम बाद ऑपरेट करेगा, 0.8 सेकेंड के बाद ऑपरेट करेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है व्हेन वी आर यूजिंग डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले।
जैसे कि मैंने पहले बताया, एज द फॉल्ट लोकेशन मूव्स टूवर्ड्स द सोर्स, फॉल्ट करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। फॉल्ट करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब यह है कि इसने उतना जल्दी इसने क्या करना है, ऑपरेट करना है द मोस्ट, क्योंकि एक थंब रूल है, मोस्ट द सिवियर फॉल्ट द फास्टर शुड इट ऑपरेट, रिले ने फास्ट ऑपरेट करना है। तो फॉल्ट सोर्स की तरफ आ गया, इसने जल्दी ऑपरेट करना है। तो जब मैं डेफिनेट टाइम और करंट रिले यूज करूंगा तो इसको तो मैंने कुछ सर्टन डिले दी हुई है, डेफिनेट टाइम दिया कि उसके बाद ऑपरेट करे तो वो ज्यादा टाइम लेगा। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जल्दी ऑपरेट करे, हम क्यों यूज करेंगे, इनडेफिनेट टाइम ओवर करंट रिलेज यूज करेंगे, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल यूजिंग इनडेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। वही सिस्टम है, तीन बस सिस्टम है, तीन लोड कनेक्टेड है, ईच लोड करंट वैल्यू गिवन है और दो रिलेज यूज है, रिले ए और रिले बी। यहाँ पे फॉल्ट आ जाए, बस सी पे फॉल्ट आ गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। मैं इस पे फॉल्ट देखता हूँ और बस बी और बस सी को कौन प्रोटेक्ट करता है कि दरमियान जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, रिले बी और इन बस ए और बस बी के दरमियान रिले ए ऑपरेट करता है। मैं कहता हूँ कि इस फॉल्ट पे करंट आ गया तो इसको रिले ए की हमने क्या सेटिंग करनी है, रिले बी की हमने क्या सेटिंग करनी है, और ये है बस, ये है करंट की रेंज, फॉल्ट करंट की, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम है। लाइक बस सी के लिए क्या है, 1000 है और 1500 का एम्पेयर है मैक्सिमम। सिमिलरली बस बी के लिए 2000 और 3000 है। ये कुछ फॉर्मूलेज है, ये ऑपरेशन टाइम, अगर मैं IDMT यूज करूंगा तो इसका ऑपरेशन टाइम का फॉर्मूला ये है 0.14 टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग डिवाइड बाई फ्लैग सेटिंग मल्टीप्लायर पावर 0.01 माइनस 1। और फ्लैग सेटिंग मल्टीप्लायर किस चीज़ के बराबर होता है, आई रिले डिवाइडेड बाई फ्लैग सेटिंग। फ्लैग सेटिंग वो वैल्यू है जिसको मैं पिकअप वैल्यू कहता हूँ कि इसके ऊपर यार मेरे फॉल्ट को, मेरे करंट को फॉल्ट कंसिडर करो, राइट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मैंने इस लोकेशन पे फॉल्ट को देखना है, बस बी पे मैंने फॉल्ट को देखना है, बस बी पे। तो जब मैं बस बी पे फॉल्ट को देखूंगा तो मैं मैक्सिमम करंट के लिए देखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं मैक्सिमम करंट के लिए देखूंगा तो मेरे पास टाइम कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स डेफिनेट टाइम है, तो टाइम कम आएगा मेरे पास, तो इस ये फास्टर ऑपरेट करेगा, जबकि मिनिमम फॉल्ट आएगा तो फिर ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। तो चलिए, अच्छा रिले, ये ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर बी, इसमें से कितना करंट पास हो रहा होगा, 80 एम्पीयर पास हो रहा है, जबकि ट्रांसफार्मर ए में कितना करंट पास हो रहा है, 180 प्लस 160 प्लस 80, 240, 260, राइट। लेकिन हमने कुछ सर्टन डिग्री ऑफ ओवरलोड भी कंसिडर करना है, राइट। तो चलते हैं कि हमने अब सेटिंग कैसे करनी है, सिटी रेशियो की, फ्लक्स सेटिंग की और ऑपरेशन टाइम की, राइट। अच्छा, रिले बी का करंट कितना था, 0.8 था, रिले का करंट कितना था, 180 प्लस 160 प्लस 80, और मैंने कहा कि मैंने ओवरलोड को भी सर्टन डिग्री तक कंसिडर करना है, तो ये कितना करता है, 0.25 यानी 25% ओवरलोड को भी कंसिडर करता है। सो फॉर रिले बी प्राइमरी करंट इज 100 एम्पेयर, वेल पर रिले ए द प्राइमरी करंट इज 300 एम्पेयर। और मैं कहता हूँ कि यार मेरी प्लग सेटिंग की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि मेरा रिले डिसाइड करते हैं कि मेरे रिले की रेटिंग कितनी है। ये यूजुअली या तो 5 होती है एम्पेयर या 1 एम्पेयर होता है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा यार सेकेंडरी करंट यानी प्लग सेटिंग वैल्यू क्या है, 1 है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई फॉर रिले बी ताकि ये फास्टर ऑपरेट करे, इसके लिए मैंने 0.1 रखा। तो अब मेरे पास सीटी रेशो कितनी हो गई, फॉर रिले बी 100 रेशो 1 हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, 300 रेशो 1। क्यों? ये प्राइमरी करंट है जो लोड डिसाइड किया, मेरे लोड ने डिसाइड किया, और ये मेरे रिले ने डिसाइड किया कि ये प्लग सेटिंग की वैल्यू 1 है। अच्छा, अब मैंने ऑपरेशन टाइम फाइंड, ऑपरेशन टाइम मैंने फाइंड करना है रिले बी का, वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, इस फॉर्मूले से, ऑपरेशन टाइम ऑफ रिले बी इज इक्वल टू 0.14 टाइम्स मल्टीप्लायर सेटिंग डिवाइड बाय फ्लैग सेटिंग मल्टीप्लायर 0.02 माइनस 1। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग की वैल्यू मेरे पास 0.1 है, तो यहाँ पे मैं 0.1 लिख लूंगा और फ्लैग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकलेगी। और मैं कौन से करंट के लिए कर रहा हूँ, ये मैं मैक्स करंट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, 8+2 जो कि जिसकी वैल्यू है 3000 एम्पेयर। सो फ्लैग सेटिंग मल्टीप्लायर किसी आई रिले ओवर फ्लैग सेटिंग मल्टीप्लायर,
और आई रिले में कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये मैक्सिमम करंट 300 एम्पियर आ गया और इसको मैं शिफ्ट कर लूंगा सेकेंडरी साइड पर। सेकेंडरी साइड पर कैसे शिफ्ट करते हैं, इस फॉर्मूले से कि सेकेंडरी टर्न्स रेशो डिवाइडेड बाय वन डिवाइड बाय यानी सेकेंडरी टर्न रेशो डिवाइड बाय प्राइमरी टर्न रेशो, ये आता है 30 एम्पियर। सो रिले के कितना करंट इसमें से आएगा, 300 एम्पियर आएगा इन केस ऑफ फॉल्ट। तो जब मैं इधर पोर्ट कर लूंगा तो रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम कितना आ गया, 0.2 सेकेंड आ गया, राइट? समझ आ गया इसकी? अच्छा, अब इसके बाद मैंने रिले ए का ऑपरेटिंग टाइम निकालना है। रिले ए का ऑपरेटिंग टाइम के लिए ये फॉर्मूला था कि रिले ए ऑपरेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम प्लस ओवरशूट। सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 0.5 है, और रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम कितना आया था, 0.2 आया था। 0.2 प्लस 0.5 0.7 सेकंड आ गया। और ओवरशूट को मैं कहता हूँ कि यार 10% ओवरशूट कंसिडर करो जितना जी दोनों का आ रहा है। तो ओवरशूट कितना आ गया, 0.07। अच्छा, तो रिले ए का ऑपरेटिंग टाइम कितना होगा, 0.2 जो कि रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम है, 0.5 जो रिले सर्किट बी के ऑपरेटिंग टाइम है, और ये ओवरशूट वैल्यू है। तो रिले ए कितना टाइम लेगा, 0.77 सेकेंड्स, राइट? अगर तुमने देखा होगा तो इसका ऑपरेटिंग टाइम कम है, रिले ए का ऑपरेटिंग टाइम कम है, ये प्राइमरी है, और रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा है क्योंकि ये सेकेंडरी है, राइट? जो कि वो थंब रूल हमने पहले पढ़ा था कि बैकअप का टाइम कितना होगा, ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा होगा। अच्छा, अब हमने रिले ए का टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग निकालना है, वही मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, टी ऑपरेशन इज इक्वल टू 0.14 टीएमएस पीएसएम एंड -1। तो ऑपरेशन टाइम मैंने निकाल दिया, 0.1 भी मेरे पास है, टीएमएस मैं निकालूंगा, और प्लस सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकलती है ये अब मैं कैलकुलेट करता हूँ तुम लोगों को। अच्छा, मैक्सिमम करंट मेरे पास कितना था, 300 एम्पेयर है, राइट? अगर मैंने इसको प्राइमरी साइड पर लेकर जाना है, मैं किस तरह लेके जाऊंगा, वन डिवाइड बाई टर्न्स रेशो ऑफ सी टी ए कितना था, 300 था। तो अगर इससे तुम निकालोगे तो 10 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे वो 10 लिखा है। तो टाइम मल्टीप्लाई सेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.26, राइट? अच्छा, तीन हमारे पास सेटिंग हो गई, हमने मल्टीप्लाई टीएमएस भी निकाल दिया, फ्लैग सेटिंग की वैल्यू भी निकाल ली, ऑपरेशन टाइम भी निकाल दिया, और सर्किट और सीटी रेशियो भी निकाल दी। अब हम चेक करते हैं कि यार हमारा फॉल्ट अगर मिनिमम हो तो यार हमारे रिले सेंसिटिव होंगे उस केस में कि नहीं, सेलेक्टिव होंगे कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, वो इस फॉर्मूले से चेक करेंगे कि मिनिमम फॉल्ट के लिए अपर रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम फाइंड आउट करो। तो मिनिमम फॉल्ट मेरे पास कितना था, 200 एम्पेयर था। तो 200 एम्पेयर को अगर तुम फ्लैग सेटिंग मल्टीप्लायर निकाल दोगे तो 20 आ रहा है। लेट्स डू इट, ये एक असाइनमेंट टास्क है आप लोगों के लिए, एज अ वर्क होमवर्क इज अ वेरी इजी, जैसे पहले किया था उसी तरह कर लोगे। तो 0.14 टाइम, 0.1 डिवाइड बाई 20, 0.02 -1, तो इसका कितना आया, 0.226 टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग 0.226 आ गया। रिले बी का, अब रिले ए का मैंने ऑपरेटिंग टाइम निकालना है, तो रिले ए का कैसे आएगा, रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम और 10% ओवरशूट अब इन दोनों का प्लस, राइट? तो जब तुम निकालोगे तो ये 0.8 सेकंड आ जाएगा, ठीक है? रिले ए यहाँ पे 8 सेकंड लेता है, 0.8 सेकंड लेते हैं मिनिमम फॉल्ट के लिए, जबकि मैक्सिमम फॉल्ट के लिए वो कितना ले रहा था, 0.77 ले रहा था इस केस में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम्स क्या है, सेलेक्टिव है, मिनिमम फॉल्ट को भी सेलेक्ट करता है। अब मैंने अगर रिले ए का कौन सा निकालना है, रिले ए पे मैंने क्या निकालना है, मिनिमम फॉल्ट के लिए निकालना है, तो मैं इस फॉर टर्न्स रेशियो इसका क्या था रिले ए के लिए, 2000 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 300, डायरेक्ट तुम भी 300 से डिवाइड कर सकते हो, तो 6.66 आया। और इसके लिए टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग कितना है, 0.94 है। अब इस पिछले के साथ कंपेयर कर लो, इसका रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम कितना था, 0.2 सेकंड था, इस केस में रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम 0.226 आया, यानी मिनिमम फॉल्ट के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है, और रिले ए के लिए ऑपरेटिंग टाइम 0.94 है मिनिमम फॉल्ट के लिए, और इसके लिए कितना है, 0.77 है। तो इसका मतलब ये कि हमारा रिले क्या है, सिलेक्टिव है। तो सेटिंग हमने कौन सी कर ली, हमने सीटी की सेटिंग कर ली, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट की, प्लग सेटिंग,
जो कि मेरे रिले डिसाइड करेगा, और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो कि हमने निकाल दिया, राइट, कि यार कितने ड्यूरेशन के बाद मैं रिले ने ऑपरेट करना है। तो ये था वो प्रॉब्लम कि हाउ यू विल कंडक्ट और फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। अच्छा, अब कुछ जेनेरिक रूल्स पढ़ते हैं फॉर आईडीएमटी इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। अच्छा, एज आई टोल्ड अर्लियर कि प्राइमरी प्रोटेक्शन कौन सा होगा, प्राइमरी रिले जो टेल एंड पे होगा, टेल एंड पे तुम्हारे पास प्राइमरी रिले होगा, और प्लग सेटिंग की वैल्यू कितनी होगी ताकि वो मिनिमम मैक्सिमम करंट को पास कर सके, इससे प्लग सेटिंग की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और मिनिमम फॉर से कम होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, राइट। ये फॉर करंट है और ये लोड का मैक्सिमम करंट है, राइट। तो मेरा प्लग सेटिंग की वैल्यू इस रेंज के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग्स शुड बी सच दैट द सिलेक्टिविटी विद द नेक्स्ट रिले डाउनस्ट्रीम इज मेंटेन फॉर द मैक्स फॉर। अच्छा, जैसे कि हमने पहले निकाल दिया कि यार अगर नेक्स्ट स्टेज में भी अगर मैं किसी, जैसे कि मैंने ये कराया था कि यार ये सिलेक्टिविटी क्या हो, वो फॉलो हो, तो ये पॉइंट इधर वो कह रहा है, राइट। फिर ये है कि आईडीएमटी कब यूज करोगे एंड डिफरेंट टाइम और करंट रिले कब यूज करोगे। सो फॉल्ट करंट इज अ फंक्शन ऑफ फॉल्ट करंट इज अ फंक्शन ऑफ फॉल्ट लोकेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब तुम सोर्स की तरफ करीब जाते जा रहोगे, योर फॉल्ट करंट विल इंक्रीज। अगर तुम्हारे पास ही सिंक्रोनस इम्पीडेंस बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ये इस लाइन की, तो क्या यूज करो, डेफिनेट टाइम और करंट रिले यूज करो। अगर ये जेड एस कम है जेड एल के, तो कौन सा रिले यूज करो, डेफिनेट टाइम इनडेफिनेट टाइम मिनिमम इनडेफिनेट मिनिमम टाइम और करंट रिले यूज करो। तो डेफिनेट टाइम और करंट रिले कब यूज करोगे, जब ये जेड एस डिवाइड बाई जेड एल क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो। तो ये था आज का लेक्चर के हमने सेटिंग कैसे करनी है अपने इनडेफिनेट टाइम मिनिमम ओवर करंट रिले की।